इससे पहले हमने सिंगल एंट्री सिस्टम एक सिंपल एक मेथड से नेट प्रॉफिट निकाला था, लेकिन वो सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट निकालने का फार्मूला बताया था। बावकात ऐसा होता है कि सवाल में आपको ना बिगिनिंग कैपिटल दिया होता है ना एंडिंग कैपिटल दिया होता है, आपको साल के शुरू की एसेट्स और साल के आखिर की लायबिलिटीज दी होती हैं। तो हमने उसकी मदद से बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल निकालना है। अब सवाल नंबर ये 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एसेट और लायबिलिटीज दी हैं, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, बिगिनिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिगिनिंग निकालेंगे, बिगिनिंग बनाएंगे। जस्ट लाइक ये फर्स्ट ईयर में जैसे हम बैलेंस शीट करते थे, ये वही चीज़ है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पहले हम 1/1/2012 की, ये तीसरा सवाल है, इसमें आप देखें उसी तरह हमने एसेट्स और यहाँ लिखना है लाइबिलिटीज, एसेट्स को डेबिट साइड पर और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पर लिखना है। अब बिगिनिंग एसेट जो है हमारे पास देखें कैश है 3450, कैश एट बैंक वो है 55370, स्टॉक हमारे पास है शुरू में साल के शुरू में बिगिनिंग जो है 56800, डेटर्स जो हैं संधि डेटर भी इसे हम लिख सकते हैं वो हैं 32750 रुपए के, और फर्नीचर है हमारे पास साल के शुरू में बिगिनिंग एसेट्स में वो 2100 रुपए, और लायबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर जो हैं इनके जो कर्जा है लायबिलिटीज़ है हमने वो है 34570। तो अजीज़ तलबा कैपिटल निकालने का फार्मूला हमारा फर्स्ट ईयर से हमें मालूम है कि हमेशा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, अगर वो बिगिनिंग है तो टोटल बिगिनिंग एसेट्स माइनस बिगिनिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल आ जाएगा, वो बिगिनिंग कहलाएगा। अब ये देखें बिगिनिंग एसेट्स हमारी आई 1,50,750 हमने टोटल किया, इसको हम दोनों खानों में लिखेंगे, और इसमें से जो हमारी बिगिनिंग लायबिलिटी है इसको माइनस करके तो हमारा ये जो लायबिलिटी कितनी है 24,570। तो अब आप देखें कि 1,15,900 ये हमारा बिगिनिंग कैपिटल निकल आया। इसी तरह सेम फिर हम क्या करेंगे कि एंडिंग कैपिटल मालूम करने के लिए फिर दोबारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहाँ लिखेंगे 31/12/2012। उसी तरह फिर हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है ताकि हमें एंडिंग कैपिटल मालूम हो सके। कैश इन हैंड है हमारे पास देखिए 4500 एंडिंग में, बैंक बैंक में जो बैलेंस है कैश एट बैंक वो है 24300, स्टॉक है 46500, सन्ड्री डेटर हैं 46200, फर्नीचर जो है हमारे पास साल के आखिर में बचा हुआ वो है 2500, और एक और नीचे एसेट देखें दी हुई है वो नीचे पैरा में देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से उसने 65000 निकलवाए हैं ऑफ विच ₹56,000 वाज स्पेंट, जिसमें से 56,000 रुपये उसने खर्च कर दिए इन परचेजिंग ए कार फॉर ए बिजनेस। तो उसने कार भी हमें ख़रीद के दी है कारोबार को, तो वो है 56,000 रुपये की ये कार है। और लाइबिलिटी देखें इसमें संधि क्रेडिटर
जो एंडिंग है वो है 43,500 रुपए के। अब जैसे हमने बिगिनिंग का किया था सेम वही बिगिनिंग एसेट्स का टोटल किया तो ये आता है 1,80,000, 1,80,000। इसमें से एंडिंग लाइबिलिटी 43,500 माइनस कर दें, 43,500 माइनस करें तो आप देखें 1,80,000 माइनस 43,500 तो ये 1,36,500 ये हमारा एंडिंग कैपिटल आ गया, एंडिंग कैपिटल 1,36,500। अब आप देखें कि हमने इस सवाल की मदद से बेटे क्या बनाया कि सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एयर बिगिनिंग यानी कि बिगिनिंग बैलेंस शीट है, जैसे तमाम एसेट्स को डेबिट में और लाइबिलिटीज को क्रेडिट में लिखा, टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दी, बिगिनिंग कैपिटल मिल गया अब हमें क्योंकि इस सवाल में हमें बिगिनिंग कैपिटल खुद निकालना है, और इसी तरह एंडिंग में तमाम एंडिंग एसेट लिख ली और लाइबिलिटी माइनस कर दी उसमें से टोटल में से तो ये एंडिंग कैपिटल मिल गया। अब हम इसको फार्मूले के मुताबिक जो है वो प्रॉफिट निकालेंगे तो हेडिंग देंगे ए ट्रेडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, एंड लास्ट और साल हमारा है 31/12/2012। इसके मुताबिक हमें आप देखें हमारे पास एंडिंग कैपिटल आया 1,36,500 और ड्राइंग देखें इसने कि 65,000 रुपये उसने कारोबार से निकलवाए थे, 56 की उसने कार खरीद के दे दी तो ड्राइंग जो है हमारे पास 56 में से 65 निकाल दें क्योंकि 65 की तो कार बिजनेस को दे दी उसने लेकर, तो असल उसके पास मालिक की तरफ कारोबार का जो है 9,000 रुपये ड्राइंग बची तो 1,45,500 ये टोटल किया हमने इसका। इस सवाल में एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि न्यू कैपिटल नहीं है, इसमें से सिर्फ हम क्या करेंगे अब लेस बिगिनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे फार्मूले के मुताबिक क्योंकि जाहिर है ज़रूरत नहीं थी तो ड्राइंग ने अपना न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं की तो ये 1,15,900 माइनस किया तो ये आप नेट प्रॉफिट इस साल का जो है वो 29,600 29,600। तो इस सवाल में आज देखिए नई चीज़ हमने देखी है, मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ कि इस सवाल में पूरे हमने पढ़ा तीसरे सवाल में कि हमें ना बिगिनिंग कैपिटल दिया हुआ है ना एंडिंग दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कि टोटल जो हमें एसेट्स दी हुई हैं बिगिनिंग एसेट्स को हमने डेबिट साइड पर लिख कर और उसमें से जो लाइबिलिटी है एक ही है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज बिगिनिंग कैपिटल आ गया। इसी तरह एंडिंग जो है जब हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई तो टोटल हमने एंडिंग एसेट लिखते गए टोटल किया 1,80,000 उसमें से बिगिनिंग एंडिंग लाइबिलिटी जो है वो माइनस कर दी तो ये एंडिंग कैपिटल हमारा 1,36,500 आ गया। तो इस सवाल में हमें खुद बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल मालूम करना पड़ा, उसकी मदद से आगे फिर फार्मूला हमारा वही हमने अडॉप्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मालूम करने के लिए। तो एंडिंग कैपिटल में एड ड्राइंग 9,000 रुपये और लेस बिगिनिंग कैपिटल किया तो नेट प्रॉफिट आ गया इस सवाल में क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं थी तो वो हमने नहीं लिखी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम का, तीसरा लेक्चर है हमारा ये। पहले हमने दो सादा लेक्चर किए, जो सादा जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया था, इसमें सिंगल एंट्री में छोटे छोटे सवाल मैंने आपको दिखाया था कि प्रॉफिट की स्टेटमेंट किस तरह बनानी है, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक इसमें ऐड हुआ है वो हुआ है कि बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल अगर ना हो तो हमने खुद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी कि बैलेंस शीट बिगिनिंग और एंडिंग बनाकर तो हमने खुद ये पहले निकालने हैं बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल, फिर हम बाकी डाटे की मदद से सवाल में जो दिया हुआ है उसकी मदद से हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के नेट प्रॉफिट मालूम करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, पहली चार एग्जांपल जो है इसके मुताबिक हैं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जांपल आप इससे खुद देखा करें हल शुदा हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक।